नमस्ते। यहाँ पर इस वीडियो के दौरान कुछ इंटरेस्टिंग हाइपरओएस थीम के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर आईओएस कस्टमाइजेशन को ऐड किया गया है। तो यहाँ पर इस वीडियो के दौरान टोटल 5 हाइपरओएस एंड एमआईयूआई थीम को आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखना, लाइक शेयर कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकॉन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है वन बाय वन सभी थीम को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमने जो इस थीम को जो है अप्लाई किया है एंड इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर वॉलपेपर देख सकते हो, काफी बढ़िया है। यहाँ पर जो है बैटरी बार, ब्लूटूथ आइकॉन भी काफी बढ़िया है एंड आइकॉन भी देख पाओगे इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से आइकॉन देखने को मिलता है। अगर बात करें यहाँ पर इस थीम के साथ जो है कंट्रोल सेंटर के बारे में, तो कुछ इस तरह से कंट्रोल सेंटर को ऐड किया गया है। यहाँ पर कंट्रोल सेंटर के ऊपर आइकॉन के साथ हमने कोई भी चेंजेस को नोटिस नहीं किया है। लॉक स्क्रीन यूआई की अगर बात करें इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन यूआई को ऐड किया गया है, जो डिफॉल्ट लॉक स्क्रीन यूआई है देखने को मिलेगा। एंड सेटिंग्स की अगर बात करें, जो सेटिंग्स कंप्लीटली पर चेंज हो गया है। यहाँ पर हमने Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर MIUI 14.0.9.0 का जो Xiaomi U का जो ROM है इंस्टॉल किया है। इस ROM का जो है डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाकर इस ROM को डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर सेटिंग्स मेनू के ऊपर जितने भी आइकॉन है सभी आइकॉन के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर स्विच स्टाइल के साथ कोई भी चेंजेस नहीं है। MIUI 11 कंट्रोल सेंटर के साथ भी चेंजेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कलर के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलेगा। वॉल्यूम पैनल की अगर बात करें, यहाँ पर वॉल्यूम पैनल के साथ हमने कोई भी चेंजेस को नोटिस नहीं किया है। अगर बात करें यहाँ पर जो है डायलर के बारे में, कुछ इस तरह से डायलर के साथ जो है मिनिमल चेंजेस देखने को मिलेगा, ये चीज हमने नोटिस किया है। कुछ इस तरह से डायलर यूआई को ऐड किया गया है, प्लस जो मैसेजिंग एप्लीकेशन है कुछ इस तरह से मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ ही यूआई देखने को मिल जाएगा। एनीवे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट थीम की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट जो थीम है इस थीम को सिंपली यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो इस थीम के साथ जो है अगर आपके पास जो है एमोलेड डिस्प्ले वाला फोन है तो इस थीम को आप जरूर से यूज कर सकते हो। आपको काफी बढ़िया जो है एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा एंड आपको बेटर बैटरी बैकअप भी देखने को मिल सकते हैं इस थीम के साथ। हमारे पास जो Redmi Note 10 Pro डिवाइस है इसमें एमोलेड डिस्प्ले है, इसलिए यहाँ पर जो है अगर आप जो है डार्क थीम की यूज करोगे तो आपको बेटर बैटरी बैकअप देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से यूआई देखने को मिलेगा। जो यहाँ पर आइकॉन है काफी बढ़िया है, पर डायलर मैसेजिंग थीम कैमरा रिकॉर्डर फाइल गैलरी वेदर कुछ इस तरह से यूआई देखने को मिलेगा। यहाँ पर काफी बढ़िया जो आपको बेटर बैटरी बैकअप देखने को मिल सकता है। यहाँ पर iOS 16 का जो बैटरी पार्ट्स नीचे ऐड किया गया है कुछ इस तरह से। MIUI 11 कंट्रोल सेंटर के साथ जो यूआई देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर राउंडेड कॉर्नर को ऐड किया गया है, प्लस जो ब्राइटनेस बार के साथ भी राउंडेड कॉर्नर का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा। डायलर की अगर बात करें, पर डायलर के साथ भी चेंजेस देखने को मिलता है। अगेन इस थीम को आप जो है डार्क मोड के साथ यूज कर सकते हो। यहाँ पर डायलर के साथ कुछ इस तरह से यूआई है। यहाँ पर जो आइकॉन है यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से आइकॉन देखने को मिलेगा। तो काफी बढ़िया थीम देखने को मिलता है, प्लस जो मैसेजिंग एप्लीकेशन है मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ भी चेंजेस देखने को मिल जाएगा। जो मैसेजिंग एप्लीकेशन है कंप्लीटली यहाँ पर जो है चेंज हो गया है। इवन जो वॉल्यूम पैनल है वॉल्यूम पैनल के साथ चेंजेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर ब्लर को ऐड किया गया है, वॉल्यूम पैनल भी कंप्लीटली यहाँ पर चेंज हो गया है। कुछ इस तरह से नया वाला जो वॉल्यूम पैनल का जो यूजर इंटरफेस है देखने को मिलेगा। सेटिंग्स मेनू की अगर बात करें, यहाँ पर सेटिंग्स मेनू के साथ भी चेंजेस है। सेटिंग्स मेनू के ऊपर सभी आइकॉन के साथ चेंजेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर कंप्लीटली रीडिजाइन यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाएगा सेटिंग्स मेनू के ऊपर। एंड यहाँ पर स्विच स्टाइल के साथ कोई भी चेंजेस को हमने नोटिस नहीं किया है। जो पुराना वाला जो कंट्रोल सेंटर है उसके साथ कुछ इस तरह से यूआई, नया वाला कंट्रोल सेंटर के साथ जो कुछ इस तरह से यूआई देखने को मिल जाएगा काफी बढ़िया है। यहाँ पर डार्क मोड के साथ जो है काम कर जाएगा। ट्रांसपेरेंट यूआई को ऐड किया गया है। जो कंट्रोल सेंटर है कंप्लीटली पर चेंज हो गया है, पर वाईफाई आइकॉन, ब्लूटूथ आइकॉन, म्यूट आइकॉन, हॉटस्पॉट सभी के साथ चेंजेस है। एंड यहाँ पर कोई भी लेवल देखने को नहीं मिलेगा कंट्रोल सेंटर के साथ। ना अभी पर बात कर लेते हैं यहाँ पर लॉक स्क्रीन के बारे में। तो कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन के ऊपर जो है एनिमेशन को ऐड किया गया है, काफी बढ़िया क्लीन लॉक स्क्रीन यूआई देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर डबल टैप करके आप जो है अलग अलग वॉलपेपर को सिलेक्ट कर सकते हो एंड यहाँ से आप जो है अलग अलग वॉलपेपर को सिलेक्ट कर पाओगे। प्लस यहाँ से आप जो है लॉक स्क्रीन के ऊपर जो डिफरेंट डिफरेंट क्लॉक स्टाइल है इसे भी ऐड किया गया है। अलग अलग जो ऑप्शन से यहाँ पर काम कर जाएगा। तो काफी बढ़िया जो यहाँ पर कस्टमाइज लॉक स्क्रीन देखने को मिलेगा। डेफिनेटली आप जो इस थीम को ट्राई करके देखो आपके डिवाइस के ऊपर।
एनीवे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट थीम की तरफ। सिंपली नेक्स्ट जो थीम है इस थीम को अप्लाई करते हैं। थीम को अप्लाई करने के बाद फोन को एक बार जरूर से रीस्टार्ट करना होगा। रीस्टार्ट करने से क्या होगा, थीम जो है सभी प्लेस के ऊपर अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। सभी जो थीम है दोस्तों रेडमी एंड पोको डिवाइस के ऊपर काम कर जाएगा। बेसिकली MIUI 12, MIUI 13, MIUI 14 एंड हाइपर ओएस के साथ सभी जो थीम है यहाँ पर काम कर जाएगा। तो यहाँ पर इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर वॉलपेपर देख सकते हो, क्लॉक स्टाइल भी देख पाओगे। आइकॉन की अगर बात करें, वेदर, गैलरी, सेटिंग्स, फाइल, FM रेडियो, थीम, कैमरा, डायलर, सभी के साथ चेंजेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो मैसेजिंग एप्लीकेशन है, मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ चेंजेस देखने को मिल गया है। प्लस जो डायलर है, डायलर के साथ भी चेंजेस देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरह से डायलर UI को ऐड किया गया है, काफी बढ़िया है। एंड यहाँ पर ब्लूटूथ आइकॉन प्लस बैटरी बार के साथ भी चेंजेस है। अगर बात करें पर कंट्रोल सेंटर के बारे में, तो कुछ इस तरह से कंट्रोल सेंटर के साथ UI देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आइकॉन देख सकते हो, काफी बढ़िया है। यहाँ पर कंट्रोल सेंटर के साथ जो है इफेक्ट को ऐड किया गया है, पर वाईफाई, ब्लूटूथ, म्यूट, या पर रीडिंग मोड, डार्क मोड, सभी के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलेगा, काफी बढ़िया है। सेटिंग्स मेनू की अगर बात करें, जो सेटिंग्स मेनू है कंप्लीटली पर चेंज हो गया है। सेटिंग्स मेनू के ऊपर सभी आइकॉन के साथ चेंजेस देखने को मिलता है। कुछ इस तरह से आइकॉन के साथ चेंजेस है, या पर स्विच स्टाइल के साथ जो है कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। कंट्रोल सेंटर के साथ भी चेंजेस देखने को मिलेगा। MIUI 11 कंट्रोल सेंटर के साथ भी चेंजेस देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरह से आइकॉन को ऐड किया गया है। वॉल्यूम पैनल की अगर बात करें, कुछ इस तरह से वॉल्यूम पैनल के साथ जो है कोई भी चेंजेस को हमने नोटिस नहीं किया है। लॉक स्क्रीन UI की अगर बात करें, कुछ इस तरह से पर थीम एंड फ्लैशलाइट का ऑप्शन है। इस तरह से जो है पर लॉक स्क्रीन UI देखने को मिल जाएगा। स्वाइप करने के बाद कैलेंडर, वेदर, क्लॉक, या पर वाईफाई, ब्लूटूथ, बैटरी, परसेंटेज का ऑप्शन है। तो इस तरह से पर जो है लॉक स्क्रीन UI को ऐड किया गया है, काफी बढ़िया जो है पर मिनिमल लॉक स्क्रीन UI जो है देखने को मिल जाएगा। एनीवे बात कर लेते हैं पर जो नेक्स्ट थीम के बारे में। सिंपली नेक्स्ट जो थीम है इस थीम को अप्लाई करते हैं एंड थीम को अप्लाई करने के बाद फोन के ऊपर जरूर से यहाँ पर जो है रीस्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर ए जो थीम यहाँ पर अप्लाई हो गया है। इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर आइकॉन देख सकते हो, यहाँ पर डायलर, थीम, कैमरा, रिकॉर्डर, नोट, फाइल मैनेजर, कैलेंडर, गैलरी, सभी आइकॉन के साथ चेंजेस देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरह से जो है पर वॉलपेपर को ऐड किया गया है, क्लॉक स्टाइल भी देख सकते हो। यहाँ पर बात कर लेते हैं डायलर के बारे में। यहाँ पर डायलर के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलेगा। डायलर जो है कंप्लीटली पर चेंज हो गया है। प्लस यहाँ पर ट्रांसपेरेंट UI को ऐड किया गया है डायलर के साथ। एंड मैसेजिंग एप्लीकेशन की अगर बात करें, पर मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ भी चेंजेस देखने को मिलेगा। कुछ इस तरह से मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ UI है। कंट्रोल सेंटर की अगर बात करें, यहाँ पर MIUI 11 कंट्रोल सेंटर के साथ आइकॉन के ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं है, बट यहाँ पर जो है कलर के साथ चेंजेस देखने को मिल जाएगा। वॉल्यूम पैनल की अगर बात करें, कुछ इस तरह से जो है वॉल्यूम पैनल को ऐड किया गया है। बाय डिफॉल्ट वॉल्यूम पैनल का जो UI है देखने को मिल जाएगा। सेटिंग्स मेनू के साथ भी यहाँ पर ट्रांसपेरेंट UI को ऐड किया गया है। सेटिंग्स मेनू के ऊपर जो है आइकॉन के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलेगा। एंड सेटिंग्स मेनू कंप्लीटली पर चेंज हो गया है। नया वाला जो कंट्रोल सेंटर है उसके साथ जो कुछ इस तरह से यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगेन यहाँ पर आइकॉन के साथ कोई भी चेंजेस नहीं है, बट मेनली यहाँ पर जो है कलर के साथ जो है चेंजेस देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से जो है कंट्रोल सेंटर के साथ यूजर इंटरफेस देखने को मिलता है। अगर बात करें पर लॉक स्क्रीन के बारे में, तो यहाँ पर डायलर, थीम, कैलेंडर, गैलरी, सेटिंग्स, इस तरह से जो है काफी बढ़िया लॉक स्क्रीन UI देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर कैमरा का ऑप्शन है। इस ऑप्शन के साथ अगर आप चाहो तो क्लीन लॉक स्क्रीन UI को भी सिलेक्ट कर पाओगे। तो आपको यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन UI के ऊपर जो है चेंजेस देखने को मिलेगा। प्लस एनिमेशन को ऐड किया गया है। ये जो थीम है आपको कैसा लगा आप जरूर से कमेंट करके बताना। एनीवे बात कर लेते हैं पर जो नेक्स्ट थीम के बारे में। सिंपली नेक्स्ट जो थीम है इस थीम को अप्लाई करते हैं। एंड ये जो थीम है यहाँ पर जो है अप्लाई हो गया है। एंड इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से जो यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले पर बात कर लेते हैं पर वॉलपेपर के बारे में। यहाँ पर इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से जो है पर वॉलपेपर देखने को मिलेगा। अगेन यहाँ पर थीम, कैमरा, यहाँ पर जो आइकॉन पैक है काफी बढ़िया है। गैलरी, वेदर का जो आइकॉन पैक है ऐड किया गया है। कंट्रोल सेंटर की अगर बात करें, कंट्रोल सेंटर के ऊपर आइकॉन के साथ कोई भी चेंजेस नहीं है, बट यहाँ पर कलर के साथ चेंजेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर डायलर के साथ भी चेंजेस है। यहाँ पर ट्रांसपेरेंट UI को ऐड किया गया है। प्लस मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ चेंजेस देखने को मिल जाएगा। सेटिंग्स में भी चेंज हो गया है, ट्रांसपेरेंट UI देखने को मिल जाएगा। एंड पुराना वाला कंट्रोल सेंटर के साथ कुछ इस तरह से
यूआई देखने को मिलेगा। लॉक स्क्रीन यूआई की अगर बात करें, इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन यूआई को ऐड किया गया है, बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन है 4, या पर फोन मैसेज थीम का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, तो डेफिनेटली आप जो इस थीम को भी ट्राई करके देखो आपके डिवाइस के ऊपर।